एवरीवन, आई एम गायत्री कोड़े, योर साइंस टीचर. टुडे आई एम स्टार्टिंग चैप्टर टू, अवर सेफ्टी. अवर सेफ्टी, हमारी सेफ्टी. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट सेफ्टी. फर्स्ट सेफ्टी एट होम, सेकेंड सेफ्टी एट स्कूल, थर्ड सेफ्टी ऑन द रोड, फोर्थ फर्स्ट एड. सो लेट्स स्टार्ट. वी कैन स्टे अवे फ्रॉम डेंजर इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स. अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं तो हम अपने आप को डेंजर से बचा सकते हैं. सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड एवरीवेयर. सेफ्टी रूल्स हम सब जगह फॉलो कर सकते हैं, एट होम, एट स्कूल, ऑन द रोड एंड इवन इन द प्ले ग्राउंड. हम घर पर भी सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं, स्कूल में भी, रोड पर भी एंड इवन प्ले ग्राउंड में जब हम खेल रहे होते हैं तब भी हम सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं. सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी एट होम, घर पर सेफ्टी. टू स्टे सेफ एट होम वी कैन फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. घर में सेफ रहने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट, कीप योर टॉयज, बैग्स एंड बुक्स एट देयर प्रॉपर प्लेस. हमें अपने टॉयज, बैग्स, बुक्स इन्हें प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए. डू नॉट कीप देम लाइंग ऑन द फ्लोर. उन्हें फ्लोर पर फैला के नहीं रखना चाहिए. यू माइट स्टेप ओवर देम, फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ. अगर गलती से आपका स्टेप अगर उन टॉयज पर पड़ जाता है तो आप गिर सकते हो और अपने आप को हर्ट कर सकते हो. डू नॉट लीव अ सॉप ऑन द बाथरूम फ्लोर. हमें बाथरूम फ्लोर पे सॉप को ऐसे नीचे ही नहीं छोड़ना चाहिए. वाई? बिकॉज अगर आपका स्टेप उस पर भी पड़ जाता है तो आप उस पर से भी स्लिप हो सकते हो और अपने आप को हर्ट कर सकते हो. सी इन दिस पिक्चर, रमेश स्लिप्ड ऑन द वेट फ्लोर. डू नॉट कीप द बाथरूम फ्लोर वेट. हमें अपने बाथरूम फ्लोर को गीला नहीं छोड़ना चाहिए. यू माइट स्लिप ऑन द फ्लोर एंड गेट बैडली हर्ट. ऐसा करने से आप जो आपका बाथरूम फ्लोर है अगर वो गीला हो तो आप उस पर स्लिप हो जाओगे और अपने आप को बैडली हर्ट कर दोगे. नेक्स्ट, यू शुड नेवर टच थिंग्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी लाइक ओवन, टोस्टर, गीजर एट्सेट्रा विथ वेट हैंड. हमें गीले हाथों से इलेक्ट्रिसिटी की जो थिंग्स होती है लाइक ओवन, टोस्टर, गीजर, इन सबको टच नहीं करना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हो तो आपको करंट लग सकता है. सी इन दिस पिक्चर, कुणाल टच द स्विच विथ हिज वेट हैंड. कुणाल ने क्या किया है, जो स्विच है उसे वेट हैंड से टच किया है जिससे उसे क्या लग गया है, करंट, और इस तरीके से उसने अपने आप को हर्ट कर लिया है. नेक्स्ट, डू नॉट रन वाइल गोइंग अप और डाउन द स्टेयर्स. जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हो तो आपको रन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से क्या होगा, यू माइट फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ. ऐसा करने से आप गिर जाओगे और अपने आप को हर्ट कर लोगे. नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ्स एंड सीजर्स. हमें शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स एंड सीजर से प्ले नहीं करना चाहिए. यू मे कट योर फिंगर. ऐसा करने से आपकी फिंगर कट हो सकती है. सी इन दिस पिक्चर, नेहा कट हर फिंगर. नेहा क्या कर रही है, सीजर से प्ले कर रही है या उसका जो भी वर्किंग होगा वो कर रही है, बट इससे क्या हो गया, उसकी जो फिंगर है उसमें कट हो गया. तो इस तरीके से उसने अपने आप को हर्ट कर लिया. ऑलवेज थ्रो रैपर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स एंड अदर वेस्ट इन टू द डस्टबिन. हमें हमेशा जो रैपर्स होते हैं, जो पैकेट्स होते हैं जिनमें कुछ चीज़ें होती है, उन रैपर्स को, वेजिटेबल्स को एंड फ्रूट पील्स, जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं उन्हें, और जो दूसरे वेस्ट होते हैं उन्हें हमें डस्टबिन में डालना चाहिए. क्यों, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उनके ऊपर जो आपने ऐसे ही फेंक दिए, फ्रूट पील्स जो आपने ऐसे ही फेंक दिए उनके ऊपर भी आपकी स्टेप पड़ सकती है और इस तरीके से आप फॉलोअप हो सकते हो और अपने आप को हर्ट कर सकते हो.